हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। सो आज का मेरा प्लान है, मुझे मार्केट जाना है एडवेंट कैलेंडर खरीदने के लिए। अगर आपने मेरी पिछले साल की एडवेंट कैलेंडर वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखना मत भूलिएगा। और लास्ट टाइम मैंने एक मिस्टेक की थी, मैं थोड़ा लेट में पहुंची थी तो मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाला एडवेंट कैलेंडर नहीं मिला। लेकिन इस बार मैं टाइमली जा रही हूँ ताकि मुझे पूरी रेंज जितनी भी अवेलेबल है वो पता चल जाए, और देखते हैं मुझे क्या मिलता है इस बार मार्केट में। शॉपिंग तो बहुत सारी मैंने कर ली। पहले मैं रॉसमैन गई थी, फिर मैं डीएम गई, और मैंने जो फाइनली एडवेंट कैलेंडर्स लिए वो डीएम से लिए, तीन ले लिए, और इसकी अनबॉक्सिंग मैं घर जाके करूँगी। बीच में मुझे भूख भी लग गई थी तो एक मुझे टर्किश रेस्टोरेंट मिला, वहाँ से मैंने चिकन टाको ऑर्डर किया था। फिर थोड़ा रोल जैसा होता है तो मैंने वो खाया, और अब मैं वापस से जा रही हूँ घर। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है क्योंकि ऑटम सीजन चल रहा है, सारी पत्तियों के कलर चेंज हो रहे हैं। सोच रही हूँ थोड़ा इस पार्क में बैठ जाती हूँ और फिर घर जाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सभी लोगों को, 10,000 की फैमिली हो गई है मेरी यूट्यूब पे, और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी। और मैंने सोचा कि इसी के साथ मैं एक दूसरा गिव अवे भी लाती हूँ, सो ये वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा क्योंकि कहीं गिव अवे वाली इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। सो उस दिन मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी और मैंने टोटल 4 एडवेंट कैलेंडर्स खरीदे जिसमें मुझे एक गिफ्ट करना है किसी को, तो मैं अभी दिखा देती हूँ और चलिए देखते हैं उसके अंदर क्या है। सो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एडवेंट कैलेंडर जो मैंने खुद के लिए ख़रीदा है, वो कैटरिस का है, और इसके अंदर मुझे कॉस्मेटिक्स मिल गई। इस बार मैं टाइम से चली गई थी इसलिए मुझे लगता है कि ये बॉक्स मुझे मिल गया, नहीं तो ये नहीं मिलता। तो वापस से इसके अंदर 24 आइटम्स हैं और पीछे डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है इस बॉक्स पे। बाकी जो मेरे पास बॉक्सेस हैं उसके पीछे भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, बट वो रिमूवेबल है, वो सिर्फ एक सेलो टेप से चिपका है। तो अगर माय चांस आपको ये गिफ्ट करना है किसी को और आप नहीं बताना चाहते कि उस पर क्या है, तो आप वो हटा के गिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तो साइड में बना भी हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यही देख के मैंने डिसाइड किया था कि ये खरीद लेना चाहिए, और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ अब। सो जैसे कि एडवेंट कैलेंडर 24 डेज का काउंटडाउन होता है क्रिसमस तक, तो इसके अंदर भी 24 चीज़ें हैं, और कितना क्यूट ये छोटे छोटे एनवलप्स हैं और स्टिकर्स हैं जिसके अंदर, जैसे बाय चांस मुझे अगर मुझे अपनी बहन को देना होता ये एडवेंट कैलेंडर, तो मैं एक एक सामान एक एक इसके अंदर डालती और उसके ऊपर वो स्टिक करती, फिर एक एक दिन वो ओपन होता। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, समझ में नहीं आ रहा मैं स्टार्ट कहाँ से करूं। सो सबसे पहले मेरे हाथ में है एक फिक्सिंग स्प्रे, ये एक मिस्ट है, हाइलाइटर ब्रश, आई शैडो पैलेट, कंटूरिंग के लिए भी एक पैलेट है, और एक और आई शेडो पैलेट है, एक नूड है और एक मैट है, फेक आई लैशेज, प्राइमर, ये तो मुझे पता भी नहीं क्या है, फेस करेक्टर है, मे बी कंसीलर का काम करता होगा। देन कुछ नेल पेंट है, लिपस्टिक है, लिप बाम है, लिप लाइनर, मस्कारा, ये एक लिप मास्क है,
ये तो कुछ ज़्यादा ही टेक्निकी है, मुझे प्लम्पिंग जेल लिपस्टिक। खुशबू भी है, बी ब्रेव लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो ऐसे करके इसके अंदर 24 छोटे छोटे आइटम्स हैं, जिसके अंदर 4-5 शेड की नेल पेंट है, 2-3 लिपस्टिक है। मैंने सारी चीज़ें दिखाई दी हैं। चलिए चलते हैं, दूसरा एडवेंट कैलेंडर देख लेते हैं जो मुझे गिफ्ट करना है। और ये मैंने मेबेलिन का लिया है। इसके अंदर ये वही शीट है जो मैं बात कर रही थी, इसको आप निकाल सकते हैं। इसमें सारे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं 24 प्रोडक्ट्स के जो इसके अंदर हैं। और मैं जल्दी से फटाफट पढ़ लेती हूँ कि इसमें क्या क्या है, आपको बता देती हूँ। सो इसके अंदर आपको मिलेगा एक ब्लैक मस्कारा, लिप लाइनर, लिपस्टिक, नेल पेंट, फॉल्स आई लैशेज, देन वापस से एक प्राइमर इसके अंदर भी है, लिप लाइनर है, नेल पेंट है, नेल पेंट के कई सारे शेड्स हैं, और वैसे ही लिपस्टिक के भी कई सारे शेड्स हैं। तो आपको न्यूड शेड में भी कई सारी लिपस्टिक्स मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, और कई सारी डार्क कलर में भी हैं, जैसे हॉलीवुड रेड हो गया, काजल, आईलाइनर, लिप बाम, 2 और टाइप की लिपस्टिक, और एक कुछ ऐसा जर्मन में लिखा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और एक कुछ ऐसा और भी सामान है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मिनी लैश सेंसेशन, फुलर विम्पन फाखर ब्लैक। तो क्या ये एक दूसरी फॉल्स आई लैशेज हैं, या कुछ तो ब्लैक है इसके अंदर और लैश के ऊपर लगाने का है, मुझे सच में नहीं पता क्या लिखा हुआ है, बट इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। सो अब हम देखेंगे थर्ड एडवेंट कैलेंडर, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फोर्थ एडवेंट कैलेंडर का ज़रूर वेट कीजिएगा। मुझे हर बार वीडियो में बोला जाता था कि आप बस लड़कियों का सामान दिखाती हैं, लड़कियों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो दिखाती हैं, कुछ लड़कों का भी बताइए। तो इस बार मैंने कुछ नया किया है। सो ये एक और एडवेंट कैलेंडर है, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। तो इसके अंदर एक बहुत ही क्यूट सा बॉडी लोशन है, फूस बार्ड टैब्स। फूस तो पैर को बोलते हैं, मुझे देखना पड़ेगा ये क्या है एक्चुअली। इसको देख के मुझे वैसलीन की याद आ रही है। ये एक लिप बाम निकला है थर्ड नंबर में, एक विंटर शैम्पू है फोर्थ में। मैं खोल तो रही हूँ बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब, और फिर एक्चुअल में जब काउंटडाउन स्टार्ट होगा क्रिसमस का, तब मुझे निकाल निकाल के यूज़ करना चाहिए। शावर जेल, ओके। सो ये एक फेस मास्क है, सो क्यूट। ये एक नाक क्रीम है, मतलब कि ये एक नाइट क्रीम है। इतनी कॉम्पैक्ट सी चीज़ों में इतने सारे सामान दे दिए हैं, और इस एडवेंट कैलेंडर का कॉस्ट था कुछ 15 यूरोस। और अमेजिंगली ये पूरा जो छोटा सा बॉक्स है वो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, नहीं तो जनरली क्रीम थोड़ा सा ऊपर स्पेस रहता है। बॉडी बूटर, ये एक बॉडी क्रीम है, इसको भी खोल के देखने का मन कर रहा है। कितनी छोटी शीशी है, अरे ये बॉडी बटर में ये चूहा जैसा क्यों निकल रहा है। ओह माय गॉड, क्या ये सच में एक बॉडी बटर है, इसको बटर के जैसा बनाया हुआ है, बिल्कुल शाइन कर रहा है। पहले मुझे लगा कि ये सोप है, ये काफी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लग रही है। इंटरेस्टिंग, ये जितना भी सारे सामान है ये इसके अंदर कुछ वनीला फ्लेवर हर चीज में दिख रहा है मुझे। ये काफी, ये मैंने कभी आज तक पढ़ा नहीं और देखा नहीं।
इन वन वॉश जेल एंड आई मेकअप एंड फर्नर। तो क्या ये आई मेकअप रिमूवर है? तो सब जर्मन में लिखा हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता, जैसे ये एंट फर्नर, आई डोंट नो क्या जर्मन में बोलते हैं इसको, बट मैं पढ़ के सही तरह से यूज़ करूँगी इसको। मुझे लगता है मुझे फ़ोन लेके बैठना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। इसमें लिखा है जेंटली मसाज इन वेट हेयर एंड देन उसको वॉश करना है, तो ये कंडीशनर भी हो सकता है क्योंकि स्प्यूलम का मतलब दिखा रहा है रिंस, तो कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट कोई बात नहीं, गूगल ट्रांसलेटर है हमारे पास। ये तो फुट क्रीम है, फूस बूटर, डे क्रीम है ये, छोटी सी क्यूट सी पर्स में रखने के लिए। ये नहाने का जो बेदिंग सॉल्ट होता है वो है इसके अंदर, ओटीन बॉडी वॉश लग रहा है मुझे। ये सारा विंटर एडिशन बनाया इन्होंने मैजिक इज इन द एयर करके, तो जो इसका कलर और जो छोटी छोटी ये ट्यूब्स हैं ये बहुत ही क्यूट लग रही हैं। ये तो डिसइंफेक्टेंट है, स्प्रे है, हैंड स्प्रे। ये एक छोटी सी आई क्रीम है, अरे इसकी मुझे ज़रूरत थी काफ़ी टाइम से बट मैंने कभी ख़रीदा नहीं। ये एक ग्लव है, तो ऐसे हाथों में पहन के उसको बॉडी पे स्क्रब कर सकते हैं। हार स्प्लिट्जन फ्लूइड, तो स्प्लिट एंड्स के लिए कैसा फ्लूइड है ये नहीं पता, सो स्प्लिट एंड्स के लिए ही है कुछ, ये शैम्पू है कि क्या है ये मुझे देखना पड़ेगा। ओके, तो ये शैम्पू नहीं है, ये स्प्लिट एंड्स के लिए एक फ्लूइड है, तो जब आप पूरा फाइनली हेड वॉश वगैरह कर लें और कंडीशनर वगैरह लगा लें तो खाली नीचे एंड्स पे गीले बाल हों जब, तो थोड़ा सा लेके एंड्स पे बस लगा के छोड़ देना है, इसको वॉश नहीं करना, मतलब रिंस नहीं करना। फिर ऑलरेडी इतने सारे सामान निकल गए हैं और कितने सारे अभी भी बचे हुए हैं। 19, ये तो नहाने का है। गैशेस मास्क, ये कैसा मास्क है समझ में नहीं आ रहा। इसमें लिखा है कि फेस पे 10 से 15 मिनट लगा के छोड़ दें और फिर जेंटली रिमूव विथ फेशियल टिश्यू और मसाज इन टू नॉट वॉश ऑफ। ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि हम जो मास्क लगाते हैं उसको हम जनरली, जो शीट मास्क नहीं, मैं नॉर्मल जो पील ऑफ मास्क होता है वो जो लगाते हैं आई छोड़ के, उसको हटाते हैं एंड देन फेस वॉश करते हैं। 20 हो गया, सो अब हम देखेंगे 21 में क्या है। शाम बार्ड, ये सारे बार्ड वाली चीज़ों में मैं कुछ देखना चाहती हूँ कि कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ। ये तो हार वाला है, टुश, सो नहीं, ये सारे अलग अलग हैं। एक तो इसके अरोमा इसकी सारी अलग है, दूसरा पहले मैं देख रही हूँ कि वो फोम बाथ के लिए है, सेकेंड वाला क्रीम शावर के लिए है, फिर अरोमा शावर है और एक दूसरा टाइप का क्रीम शावर है, मतलब कि दूसरी फ्रेग्रेंस। तो ये चारों थोड़े थोड़े इनका काम वही है बट फ्रेग्रेंस वगैरह अलग है। सो 22 इसके अंदर है हैंड एंड नागेल बालसम, सो ये एक हैंड क्रीम है। इसमें एक हेयर मास्क है, हेयर मास्क भी कंडीशनर की तरह होता है, बट कंडीशनर आप जब भी शैम्पू करते हो तब लगाते हो, बट हेयर मास्क उतना फ्रीक्वेंटली नहीं लगाना होता, और इसको भी वैसे ही लगा के वॉश कर देते हैं। लास्ट चीज़ देख लेते हैं 24, जो कि काफ़ी बड़ा बॉक्स लग रहा है। ओ सो क्यूट, ये मैंने कभी दिखाया नहीं, मुझे चांस नहीं मिला, बट ये एक, मैं आपको बताती हूँ ये क्या है।
सो जब यहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही होती है, आप पॉकेट में ऐसे छोटे छोटे आइटम्स आते हैं वार्म करने के लिए, तो इसके अंदर एक सिक्का टाइप एक मेटल होता है, उस मेटल को ऐसे क्लिक करना होता है, मतलब चुटपुट करना होता है, उसके बाद ये पूरा जो लिक्विड है वो वार्म हो जाता है, वो हीट फेंकने लगता है। तो आप अपने हाथ गर्म कर सकते हैं बाहर जब स्नो में रहते हैं। देन ये रीयूजबल है, इसको वापस से नॉर्मल करने के लिए आप पानी बॉयल करके उसके अंदर ये पैकेट डाल दीजिए और ये वापस से सेम ऐसे लिक्विड में हो जाता है। ये मेरा भी यही कहीं रखा होगा, इनफैक्ट मेरे वाले के साथ सेम ऐसा लिक्विड है और बाहर एक वुलन कवरिंग है, तो वो और वार्म लगता है, बहुत ही कंफर्टिंग होता है। अगर आप बाहर जा रहे होते हो और आप बेबी आपको बहुत ठंड लग रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप इसे क्लिक क्लिक करके तुरंत फिर 5 मिनट्स या 7 मिनट्स तक ही ये शायद गर्मी देता है और धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए बॉयल करना पड़ता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट क्यूट। सो ये रहे पूरे 24 आइटम्स। अब मुझे काफ़ी सारा मैंने फैला दिया है, इसको थोड़ा साफ करना होगा और फिर लास्ट वाला एडवेंट कैलेंडर्स खोलती हूँ, विच इज़ फॉर मेन। ओके, सो फोर्थ हमारा कैलेंडर खोलने से पहले इसमें भी एक लिस्ट है, काफ़ी सुंदर पैकेजिंग है, जैसे थोड़ी गर्लिश थी वो पहले वाले थर्ड वाले एडवेंट कैलेंडर की, इसकी भी थोड़ी सोबर रखी गई है। सो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन वाला पेपर हटा दिया है। सो सिंस एरी इन जर्मनी के 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं यूट्यूब पे, इसी के साथ मैं गिव अवे की अनाउंसमेंट कर लेती हूँ। सो जितना भी मैंने अभी सामान ओपन किया और अब मैं जो ओपन करूँगी, इसमें से आपको कुछ आइटम्स मिल सकते हैं जो आपको न्यू ईयर से पहले तो मिल ही जाएंगे। तो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और थर्ड चीज़ आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि आपको मेरी वीडियोज़ क्यों अच्छी लगती हैं। सो 2 से 3 सेंटेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप चैनल को क्यों सब्सक्राइब करते हैं मेरे, या फिर आपको मेरी वीडियोस में क्या अच्छा लगता है। बाकी की एडिशनल डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। तो अब हम ओपन करेंगे ये वाला एडवेंट कैलेंडर। ऑल इन वन क्रीम, क्या इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है सारे प्रोडक्ट्स पे या फिर खाली इसी में आया है, चलिए देखते हैं आगे। मास्क है ये एक, मुझे ये भी पैकेजिंग काफी क्यूट और अच्छी लग रही है। ये भी एक डिश जेल है, मतलब कि एक शावर जेल है। आउटडोर प्रोटेक्शन, ओके, LSF 15, सो ये एक सनस्क्रीन है, एक लिप बाम है इसके अंदर। एक चीज शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, इन सारी विंडोज के ऊपर कुछ जर्मन में लिखा हुआ है। ये भी मुझे बाद में ट्रांसलेट करके पढ़ना होगा। ये मुझे लग रहा है कि जैसे चश्मा साफ करने वाले बॉक्स में एक छोटा सा क्लॉथ होता है, कुछ वैसा सा लग रहा है। सो ये एक ब्राउन शुगर पीलिंग जेल है, नहाने से पहले ये आपको बॉडी पे स्क्रब करना होता है और फिर नहा लेना होता है, तो जितनी भी डेड स्किन होती है वो उसी के साथ झड़ने लगती है उसी टाइम। तो ये एक शुगर पीलिंग जेल है। आई क्रीम विद एलोवेरा, शाम बाड, ये भी नहाने का एक शावर जेल है। तो मे बी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर या तो एक क्रीम वाला होगा, एक फोमिंग वाला होगा। गेशिस्ट उन बाट सीरम,
ये मुझे देखना पड़ेगा। ओके, आफ्टर क्लींजिंग ऑन फेस अप्लाई ऑन बियर्ड एंड नेक, सॉफ्ट मसाज इन आई एरिया लीव आउट। तो ऐसा कुछ गूगल ट्रांसलेटर बोल रहा है, मतलब कि एक ये तो काफ़ी लिक्विडी है जिसमें ये एक बॉडी स्प्रे है, शैम्पू, डिश जेल, वापस से शावर जेल, हैंड क्रीम। मैं ये देख रही हूँ कि ये जितने भी मेन के सामान निकल रहे हैं इसके अंदर ज़्यादातर इंग्लिश में क्यों लिखा हुआ है, जबकि जो इससे पहले मैंने खोला था वो सब जर्मन जर्मन में आ रहा था। ये भी कुछ पीलिंग लिखा हुआ है, सो ये फेस पीलिंग के लिए है, तो मतलब कि कुछ फेस मास्क होगा। ये भी बादिंग सॉल्ट है। 17 में एक है डे क्रीम, एवरीडे क्रीम्स फॉर सेंसिटिव स्किन। खुशबू नहीं देखी मैंने किसी की भी। कुछ खुशबू इतनी सोबर सी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। हैंड क्रीम की भी देख लेती हूँ। हैंड क्रीम की स्ट्रांग है थोड़ी, बट डे क्रीम की मुझे इतनी खुशबू आई नहीं। वॉश जेल, मतलब कि वे फेस वॉश होगा। फूस बालसम, फुट क्रीम है ये, और इन सब पे लिखा हुआ है डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड। इसमें इंग्लिश पे वापस से लिखा हुआ है बॉडी लोशन। ये नाइट क्रीम है, फर्स्ट टाइम मैं डे क्रीम और नाइट क्रीम देख रही हूँ मेन की। इसमें शैम्पू लिखा है बट ये साबुन निकल रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है, मेरे ख्याल से ये ऑल इन वन होगा, मतलब ये सर में शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए शैम्पू लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं 23 में क्या है, और फिर 24 हमारा लास्ट प्रोडक्ट। वापस से एक नहाने के लिए डिश क्रीम। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ लग रहा है, टुक मास्क। ओके, सो ये एक शीट मास्क है, टुक मतलब होता है कि क्लॉथ। सो ये था सारा सामान, और कुछ कुछ इसके अंदर मुझे सेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं, कुछ कुछ जो हैं वो लाइट सोबर जैसे लग रहे हैं। बाकी मैं एक बार और वापस से बता देती हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लीजिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस गिव अवे में। सो आपको ये व्लॉग मेरा एडवेंट कैलेंडर की शॉपिंग और उसको अनबॉक्सिंग करना कैसा लगा मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।